मासूम मुस्कुराहट और बोलती आंखों से बातें करने वाला। गूंगी जुबान से अपना नाम मोहम्मद आलम बताता है, जो चारपाई पर बेजान लाश की तरह जिंदगी गुजार रहा है। मोहम्मद आलम को तो और कुछ नहीं याद, ताहम इतना जरूर याद है कि उसके प्यारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया है। अम्मी भी है, अबू भी हैं और बहन भाई भी हैं। मेरा घर मालाकंड में है, मुझे माजूर समझकर घर से निकाल दिया। पिशावर में एक नौ तामीर शुदा फ्लाईओवर के नीचे जिंदगी के दिन रात बसर करने वाला मोहम्मद आलम कब और कैसे यहाँ पहुँचा, ये तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम। ताहम कुछ खुदा तर्स लोग मोहम्मद आलम के खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं। चलने फिरने और बोलने की इस्तेदाद से महरूम मोहम्मद आलम अपनी खुश मिजाजी की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। इतना किया जाए कि इसको किसी ऐसे सेंटर में दे दिया जाए कि एक बंदा इसके साथ हो, एक बंदा नहीं तो दो बंदे हों जो शिफ्ट वाइज इसके साथ हों, इसका ख्याल रखें। इसके नहाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी जगह गंदी है, ये ठीक से नहीं चल सकता, बोल नहीं सकता। मौसम की शिद्दत और अपनों की बेरुखी की तस्वीर बने मोहम्मद आलम अपनी माजूरी का तो शिकवा नहीं कर सकता, मगर उसकी बोलती आंखें सबसे ये सवाल जरूर करती हैं कि आखिर उसका कसूर क्या है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ फौजिया जेब, पिशावर। अब तक।